मुंबई में चलती लोकल ट्रेन में गलत टिकट पर यात्रा कर रहे तीन यात्रियों ने फाइन भरने के लिए कहने पर टिकट चेकर पर ही हमला कर दिया। टीटी के फाइन भरने के लिए कहने पर तीन यात्रियों ने पहले बहस की और फिर टिकट चेकर के साथ मारपीट शुरू करने लगे। हंगामा बढ़ने पर पुलिस बल ने तीनों यात्रियों को ट्रेन से बाहर निकाल दिया। वहीं मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसके बाद शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने घटना की निंदा की और ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार और रेलवे विभाग से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस पर अब एक और अहम मांग भी की गई है। सुखबीर सिंह बादल ने इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार और रेलवे से सख्त एक्शन लेने की बात कही है। चलती लोकल ट्रेन में गलत टिकट लेकर तीन यात्री यात्रा कर रहे थे, लेकिन जब टिकट चेकर ने इन्हें फाइन भरने के लिए कहा तो ये यात्री विवाद करने लगे और उसके बाद हाथापाई भी हुई। मारपीट और हंगामे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस बल ने बाद में इन्हें ट्रेन से बाहर निकाला। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने घटना की निंदा की और सख्त कार्रवाई की मांग की।